और ये है आसपास की पहाड़ियाँ, जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं। और ये रास्ता है, रास्ता के दोनों तरफ जो है फेंसिंग की व्यवस्था की गई है, और ताकि यात्रियों को जो है कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। और जगह जगह पर जो है यात्रियों को, श्रद्धालुओं को जो है बैठने की और उनके आराम करने के लिए व्यवस्था श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया। मैं बता दूं, हमारे देश में बहुत सारे देवी देवताएं हैं और बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे इवन बहुत सारे जो है श्राइन बोर्ड्स हैं। और ये श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मात्र ऐसा श्राइन बोर्ड है जो श्रद्धालु यात्रु को जो है इतनी अच्छी सुविधाएं मुहैया कराती है। और जो भी श्रद्धालु और यात्रु जो है ये माता रानी के दर्शन करते हैं और श्राइन बोर्ड के द्वारा जो है जो फैसिलिटी तो दिया गया है, इस फैसिलिटी का जो है उपयोग करते हैं, तो वो जो है श्राइन बोर्ड का फैन बन के रह जाते हैं। और साथ ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो है यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया है, जहाँ देश के कोने कोने ही नहीं बल्कि विदेश से भी जो है स्टूडेंट आकर जो है अपने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इवन मेडिकल में जो है नर्सिंग की सुविधा जो है इस श्राइन बोर्ड मुहैया कराती है। और वहाँ पे जो स्टूडेंट को बहुत मिनिमम फी, नॉमिनल फी पे करना पड़ता है, और उन लोगों को जो स्टूडेंट को रहने के लिए जो अकोमोडेशन का व्यवस्था है, तो मैं बता दूँ इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में भी जो है उस टाइप का अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं होगा। तो ये है माता रानी इतने दुनियाओं को जो है रोजगार मुहैया कराती है, इनको जीने का सिखाती है, हमें जो है जीवन में कैसे सच्चाई के साथ में कैसे आगे बढ़ते हैं और हम कैसे जो है पूरे दिन उस स्ट्रेस को और अपने जाने अनजाने जो गलतियों को कैसे हम माता रानी का दर्शन करके क्षमायाचना कर सकते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है।